दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे सैमसंग की एक और नई फोन के बारे में जो कि एप सीरीज में लॉन्च होने वाला है, जो कि है F62 का सक्सेसर F63। ये फोन बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा और इसका कुछ लीक और रिमर निकल के आ चुका है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F63 के बारे में, कैसा होगा ये फोन, इस फोन की फीचर कैसी होगी, इस फोन का प्राइस कितना होगा और ये फोन कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, इस सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप ही चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए सबसे पहले लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम इस फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो बैक में आपको ट्रिपल रियर कैमरा के सेटअप के साथ ये फोन आने वाला है और इसके साथ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक मिल जाएगी, पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम देखने को मिल जाएगा और इसके साथ LED फ्लैश, सैमसंग की ब्रांडिंग और नीचे साइड में आपको टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल, माइक ग्रिल देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ आपको लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे टूल और राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन और पावर लॉक अनलॉक बटन आपको देखने को मिल जाएगी और साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। इसके साथ इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो इस फोन में आपको 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले इस फोन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ ये फोन आने वाला है, जो कि डिस्प्ले वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी अच्छा फोन ये रहने वाला है। और इसी के साथ इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर में भी आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी, जो कि एक मिड रेंज सेगमेंट में आपको ये काफी अच्छा आपको प्रोसेसर इस फोन में आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक 4 नैनोमीटर पे ये प्रोसेसर बना हुआ है। तो आपको परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन रहेगा और गेमिंग में भी आपको ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा काम करने वाला है और डे टू डे लाइफ में ये फ़ोन काफ़ी मक्खन चलेगा ही। इसी के साथ इस फ़ोन की अगर कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं, तो रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा के सेटअप के साथ ये फ़ोन आएगा, जिसका कि मेन लेंस होगा 108 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक 8 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस देखने को इस फ़ोन में मिल सकता है। इसी के साथ आपको LED फ्लैश और ये फ़ोन से आप 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे, जो कि है 30 FPS पे आप 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग इस फ़ोन से कर पाएंगे। और इसके साथ सेल्फी कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं, तो सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा, जिससे कि आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पे। इस फोन में कैमरा सैमसंग ने काफ़ी अच्छा दिया है, 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे आप रेयर से और 4K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे आप फ्रंट से, तो कैमरा में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी के साथ इस फोन की अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एंड्रॉयड 14 के इंटरफेस के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिल सकता है और इसी के साथ आपको इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा One UI 5.2 का आपको इंटरफेस। और इसी के साथ इस फ़ोन की अगर बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो बैटरी आपको सबसे बड़ी इस फ़ोन में देखने को मिलेगी, 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको 25 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग ये फ़ोन सपोर्ट करता है, लेकिन आपको बॉक्स में चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसके साथ 4 नैनोमीटर पे बना हुआ प्रोसेसर। तो ये फ़ोन डे टू डे लाइफ में आप 3 दिन तक बड़े आसानी से आप इस फ़ोन को यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ इस फ़ोन की अगर रैम बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं और स्टोरेज के बारे में, तो इस फ़ोन में आपको 8GB, 6GB और 12GB के 3 वेरियंट के साथ आ सकता है और ये फ़ोन 128GB, 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगी और 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड आप सिम ट्रे टूल में आप लगा सकते हैं, तो स्टोरेज में भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन, काफ़ी अच्छा पैकेज के साथ ये फ़ोन लाने वाला है इस फ़ोन को। और इस फ़ोन के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये फ़ोन 30,000 के ऊपर ही इस फ़ोन का प्राइस रहेगा। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबाना नहीं भूलेगा, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए सबसे पहले लेके आता रहता हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।